मंत्री जी अपने क्षेत्र के दौरे पर थे, लेकिन इसी बीच वहां एक महिला पहुंची। महिला और मंत्री जी में बातचीत हुई और महिला आगे आगे चलने लगी और मंत्री जी पीछे पीछे। तस्वीरें ग्वालियर से आई है, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से एक महिला शिकायत करने पहुंची। शिकायत ये थी कि उसका लाडली बहना योजना का फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। फिर क्या था, मंत्री जी महिला के साथ पहुंच गए जन कार्यालय, जहां उन्हें पता चला कि सर्वर ही काम नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है फॉर्म भरने में? नहीं। आप लोगों को मैं और जो प्रगति आदि बढ़ाऊंगा। सर सर्वर की प्रॉब्लम होता है, अभी सर्वर नहीं आ रहा था, बजे सर अभी स्टार्ट हुआ है। सर्वर के लिए वो तो उनके बंद कर रहा है सर्वर, बिल्कुल चालू नहीं है। क्या सर्वर के लिए भी हम बात करेंगे, समाधान करेंगे। मंत्री जी ने भरोसा दिया कि वो जल्द ही इसको ठीक कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से अपील की कि फॉर्म भरने में कोई पैसा नहीं लगता है, अगर कोई पैसा मांगे तो तत्काल इसकी शिकायत करें। मैं आप सबसे ये अपील कर रहा हूँ कि लाडली बहना के लिए पूरे प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड वाइज, पंचायत स्तर में गाँव वाइज कैंप लग रहे हैं, और इसमें फार्म भरने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, निशुल्क है। केवाईसी कराने में कोई पैसा नहीं लगेगा, निशुल्क है। और आपको यहाँ साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा, ये केवाईसी घरों में भी जा कर के हमारे लोग कर रहे हैं, और मैं सामाजिक साथियों से अपील करूँगा कि लोगों को अपना मार्गदर्शन दें, सलाह दें, और उनको जो कैंप लग रहे हैं उन कैंपों में हमारी मां शक्ति शामिल हो। किसी तरीके से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की एक बड़ी योजना है, जिसका हम सब लाभ उठाएं। मंत्री जी ने इसके बाद ऑफिस पहुंची, लाडली बहनों से बात की और उन्हें समझाया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबका फॉर्म भरा जाएगा, दिया जाए, और किसी को एक पैसा मत दे देना। ये फ्री में है, ना किसी को दस्तक की जरूरत है। ये सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर आपके लिए कहीं किसी को चोरने नहीं देना ये काम, और ये कैंप 30 दिन तक चलेगा। ये कोई परेशान मत होगा, ठीक है? मैं आपको बता दें कि इस वक्त राज्य में लाडली बहना योजना का फॉर्म भरा जा रहा है, हालांकि कई जगहों से सर्वर डाउन होने की शिकायतें आ चुकी हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।